और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री वज्रलाल शर्मा का उदयपुर दौरा, संभाग स्तरीय अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा कि फल आधारित कृषि को बढ़ाएं, अहमदाबाद गुजरात में बाजार तलाशें। योगेश्वर गर्ग होंगे सोलहवीं राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक, जालौर विधानसभा से विधायक बनकर गर्ग संभालेंगे फ्लोर मैनेजमेंट, बीजेपी के छठी बार के सीनियर मोस्ट विधायक हैं गर्ग। जमीन के बदले जमीन देने के मामले पर लगी रोक, यूडीएच मंत्री ने नगरीय विकास विभाग की पहली बैठक में दिए निर्देश, जमीन मुआवजा देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश। आरएएस प्री परीक्षा 2013 पेपर लीक मामला, एसओजी की बड़ी कार्रवाई, आरोपी अजीत सिंह सहरिया को गिरफ्तार किया। घुड़सवारी में गोल्ड लाने वाली दिव्याकृत को अर्जुन अवार्ड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित, एशियन गेम्स 2023 में किया था शानदार प्रदर्शन। कन्हैयालाल चौधरी ने आज पदभार ग्रहण के बाद जब विभागीय मीटिंग ली तो पता चला कि बजट के अभाव में प्रदेश में जल जीवन मिशन का काम ठप पड़ा है। अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि मिशन के तहत केंद्र का अंश तो उपलब्ध है, लेकिन राज्यांश बजट नहीं होने से अब काम आगे नहीं बढ़ रहा। मंत्री कन्हैयालाल ने इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करके जल्द ही बजट लाने का भरोसा दिया। भ्रष्टाचार के लिए बदनाम रहे जलदाय विभाग को स्वच्छ करने का जिम्मा नए मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को मिला है, लेकिन विभाग का काम संभालने के पहले ही दिन मंत्री कन्हैयालाल ने जब समीक्षा बैठक ली तो पता चला कि जल जीवन मिशन तो यहां कछुआ चाल से चल रहा है। जल जीवन मिशन के मामले में राजस्थान 33वें स्थान पर है। दरअसल मिशन को पूरा करने के लिए राज्य के अंश का बजट ही नहीं है। हालांकि राजस्थान के लिए केंद्रीय अंश तो पड़ा है, लेकिन राज्यांश नहीं होने से काम रुक सा गया। अधिकारियों की बात सुनकर मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि वो इस बारे में मुख्यमंत्री वज्रलाल शर्मा से बात करेंगे और काम पूरा करने के लिए बजट लाएंगे। वहीं मंत्री ने विशेष विजिलेंस टीमें गठित करने के भी निर्देश दिए। काम जो भी हो, क्वालिटी से हो, गुणवत्तापूर्ण हो, कोई हमारे विभाग के ऊपर जो अब तक जो उंगलियाँ उठा रहे हैं, आगे कोई भविष्य में हम ऐसा काम करें कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाए, यही हमारा लक्ष्य है। इसी को लक्ष्य के लेते हुए आज पहली हमारी जो बैठक यहाँ हो रही है, रिव्यू मीटिंग हो रही है, जिसके अंदर समीक्षा करेंगे कि अभी क्या क्या प्रगति हुई है, कहाँ कहाँ काम में दिक्कत आ रही है, पैसा कितना है कितना नहीं है, पहले पिछली सरकार ने क्या स्थिति में छोड़ दिया, तो आज इसी के तहत आज हम यहाँ बैठक करने के लिए। विभाग की पहली समीक्षा बैठक में फर्जी सर्टिफिकेट से ठेके लेने का मामला भी उठा। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल ने इस मामले में जुड़ी फाइल को तलब किया। मंत्री ने कहा कि ये मामला मीडिया में भी उठा है, तब एसीए सुबोध अग्रवाल ने मामले की पूरी जानकारी दी। इस पर मंत्री ने मामले से संबंधित सभी पत्रावलियां तलब कर दी। मंत्री ने साफ कर दिया कि काम में क्वालिटी से समझौता नहीं होगा। बैठक में कई अधिकारियों के लंबे समय से एपीओ चलने का मुद्दा भी उठा। इस पर मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि एपीओ चल रहे अधिकारियों को पोस्टिंग दी जाए, क्योंकि घर बैठे इंजीनियर्स को बिना काम मुफ्त की सैलरी मिल रही है। हमारा जो एरिया है ऐसा है कि इसमें जहाँ पानी उपलब्ध होगा उस हिसाब से स्पीड से पानी डिलीवरी भी कर पाते हैं। स्कीम बना दी सारी होगी, बाकी जहाँ पे हमें जितना प्रॉपर जो पानी मिलना चाहिए तो वो हमारा नहीं है। इसके साथ साथ जो इन्होंने जो डिपॉजिट का जो पैसा डाला इरिगेशन डिपार्टमेंट को, जब वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं होने की वजह से उसमें भी हम काफ़ी पिछड़े हैं। तो बहुत सी चीज़ें समीक्षा करेंगे, बहुत चैलेंजेबल काम है, बाकी इसको 100% इस चैलेंज को पूरा करेंगे और जो विश्वास हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेरे को दिया है उस विश्वास में खरा उतरेंगे। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बैठक में कहा कि जल जीवन मिशन में जो चुनौतियां हैं उन्हें स्वीकार करते हुए राजस्थान को जेजीएम में ऊपरी पायदान पर लाया जाएगा और प्रदेश के हर ग्रामीण घर तक जल कनेक्शन पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी के कारणों का पता लगाकर उनका हल निकाला जाएगा एवं जेजीएम की गति को बढ़ाया जाएगा। हम चाहते हैं कि जो हमारा राजस्थान अब तक हमारे आखिरी पायदान पे 33वें स्थान पे था, इसको हम प्रगति लाके कैसे इसकी, क्योंकि जो लक्ष्य 2024 में पूरा करना था वो लक्ष्य में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारा जो संकल्प पत्र में हमने तय किया था कि 2025 तक हम इसको जल जीवन मिशन को पूरा करें,
आगे जो भी होगा, बाकी पहला लक्ष्य हम 2025 को करने के लिए सब मिलके इसको प्रगति पे लाए, शुद्ध पेयजल हमारे हर घर में मिले। बैठक में जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने जलदाय मंत्री को विभाग में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों और वित्तीय स्थिति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने 100 दिवसीय कार्य योजना जल जीवन मिशन में प्रगति के बारे में जानकारी दी। समीक्षा बैठक में MD जल जीवन मिशन बचनेश अग्रवाल और कई मुख्य अभियंता मौजूद रहे। लगता है नए जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भ्रष्टाचार के लिए बदनाम रहे जलदाय विभाग को अब स्वच्छ करने की ठान ली है, और इसी कारण आज विभाग की पहली समीक्षा बैठक में उन्होंने अपना मैंडेट स्पष्ट कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कुछ काम की वो अपनी अलग टीम बनाकर जांच भी करा सकते हैं, और अगर इसमें कोई गड़बड़ पाया गया तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। अब सबसे पहले ज़रूरत है जल जीवन मिशन को गति देने के लिए, क्योंकि जल जीवन मिशन में कई गड़बड़ियाँ हुई जिसके कारण काम रुका हुआ है। ऐसे में गड़बड़ियाँ भी ना हो और मिशन तेज़ी से आगे बढ़े और प्रदेश निचले स्तर से ऊपर उठे, यही नए मंत्री की भी प्राथमिकता है। देखना यह है कि पटरी से उतर चुके इस जलदाय विभाग को कितनी जल्दी नए मंत्री पटरी पर ले आ पाते हैं। कैमरामैन यश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जोधपुर कलेक्ट्रेट में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। साल 2023-24 की चतुर्थ त्रैमास बैठक में हुई। कई अधिकारियों के उपस्थित नहीं होने पर शेखावत ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अनुपस्थित अधिकारियों को तुरंत बैठक में बुलाया, साथ ही जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। बैठक में मंत्री जोगाराम पटेल, पाली सांसद पीपी चौधरी, विधायक देवेंद्र जोशी, अतुल भंसाली, पवराम बिश्नोई, अर्जुनराम गर्ग, महापौर दक्षिण वनिता सेठ सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से वार्ता में शेखावत ने कहा कि बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने में रुचि नहीं दिखाई और इससे इन योजनाओं का लाभ वंचितों को नहीं मिल पाया। लेकिन अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तो हमारा प्रयास होगा कि योजनाओं को समय धरातल पर उतार कर पात्र लोगों को लाभान्वित किया जाए। भारत को विकसित बनाने के संकल्प को लेकर सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने को उसका आधार मानते हुए जो योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रारंभ की है, उन योजनाओं को धरातल पर ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए उसकी समीक्षा के लिए ये दिशा का प्लेटफॉर्म बनाया गया था, और पीरियोडिकली हम बैठ करके इन सारे विषयों पर चर्चा करें किस तरह से जिले के दिशा जो है विकास को प्रगति दी जा सकती है, योजनाओं को ठीक से धरातल पर उतारा जा रहा है या नहीं उसको लेकर के किस तरह की समस्याएँ, चुनौतियाँ, संकट हैं, इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के हम सब लोग इस पर विचार करते हैं। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का उदयपुर उपखंड में, रायपुर उपखंड में कई जगहों पर ग्रामीणों ने स्वागत का सम्मान किया। मंत्री के रायपुर उपखंड पहुंचने पर बर रायपुर ओवर ब्रिज के पास गौशाला संचालकों ने स्वागत कर ज्ञापन दिया। राजकीय महाविद्यालय के पास भी कुमावत समाज की तरफ से दर्जनों की संख्या में समाज बंधुओं ने साफा और माला पहनाकर स्वागत कर बधाई दी। स्वागत के दौरान मंत्री कुमावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता हैं। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा समेत बड़े नेताओं का आभार व्यक्त कर कहा कि कुमावत समाज के छोटे से बीजेपी कार्यकर्ता को राजस्थान की कैबिनेट में बिठाकर प्रदेश की जनता की सेवा का मौका दिया। मंत्री ने कहा कि चार मंत्रालय पशुपालन, देवसान, गोपालन, डेयरी विभाग, ये सभी सेवा के लिए बने हैं। वहीं उन्होंने सुझाव देने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोई जनहित या विभाग से जुड़ा अच्छा सुझाव हो तो जरूर दे। वहीं NH 162 झूठा गांव के चौराहे पर पाली के पूर्व उप जिला प्रमुख गणपत राज बोरा और बीजेपी किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कमलेश बोरा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस दौरान चौराहे पर स्थित राजूदास वैष्णव के चाय की थड़ी पर मंत्री चाय बनाकर कार्यकर्ताओं को पिलाते नजर आए और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार ने जैसे कई तरह के अनुदान रोक रखे हैं, बोनस मिलता है वो बोनस के 275 करोड़ रुपए रुके हुए हैं, 275 करोड़। अब जैसे
ये भी अनुदान रुका हुआ था, ये सारे किसानों को भी अनुदान है ना, जो 13,200 रुपए मिलते थे फसल नष्ट होने पे, वो भी रुका हुआ है। तो वो सब फाइनेंस सरकार ने, पिछली सरकार ने खराब कर रखी है। अब जैसे आप लोगों की सरकार बनी है, जनता की सरकार बनी है, तो हम लोग पहले तो उन फाइनेंस की स्थिति को सुधारेंगे, सुधार करके फिर ये सारे रिलीज करेंगे, कोई बाकी नहीं रखेंगे। भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की। बैठक में अधिकारियों को जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में कराए जा रहे पेयजल कार्यों के बाद मरम्मत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि अब वो सही तरीके से कार्य करें, जनता को परेशान ना होना पड़े। अगर जनता अधिकारियों की शिकायत लेकर पहुंची तो फिर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक के दौरान राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन की भी संसाधनों की आवश्यकता के अनुसार जरूरत पूरी की जाएगी, जिससे कि क्षेत्र में अपराध कम हो, अवैध भूमाफिया खनन माफियाओं पर लगाम लगे और जनता को राहत मिले। पुलिस अधीक्षक डीग और जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर दोनों ही हमारी जब से मनसा का इनको मालूम पड़ा है कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले हैं, अपराध मुक्त राजस्थान बनाने का काम करेंगे, शीघ्र ही हम संसाधन उपलब्ध करा करके पुलिसिंग व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे और भयमुक्त शासन भयमुक्त प्रशासन देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से अपराधियों में खौफ होगा, अपराधी अपराध छोड़ेंगे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत पुष्कर दौरे पर पहुंचे, जहां किशनगढ़ एयरपोर्ट से लेकर पुष्कर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। पालिका अध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, पूर्व पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, मंडल महामंत्री अरुण वैष्णव और मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी ने जल संसाधन मंत्री रावत का स्वागत किया। इसके बाद पुष्कर के चुंगी नाके से स्वागत का दौरा शुरू होकर ब्रह्म चौक पर समाप्त हुआ। पूरे रास्ते में कैबिनेट मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों की शुभकामनाएं पैदल चलते हुए स्वीकार की। इस दौरान उन्होंने पुष्कर सरोवर पर पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए। पूजा अर्चना करने के बाद मंत्री सुरेश रावत ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि तीर्थ गुरु पुष्कर में भव्य कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसकी उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी के हाल ही में हुए पुष्कर दौरे के बाद जगी है। रावत ने कहा कि वो केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन मेघवाल के साथ जल्द ही दिल्ली जाकर इसकी स्वीकृति लेकर आएंगे। मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि आरसीपी को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में विवाद सुलझ गया है, जल्द ही परियोजना को पूरा कर राजस्थान के 13 जिलों को लाभ दिया जाएगा। पहले तो मैं ब्रह्मा जी को, तीर्थराज के पवित्र सरोवर को और यहाँ के देवतुल्य जनता है उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इन सब की सुपाशिश से मेरे को काम करने का एक राजस्थान सरकार में अवसर मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, हमारी पार्टी के नेतृत्व में धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि मेरे को विश्वास जताया और जो मंत्रालय मुझे दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल है तो जीवन है, जल के बिना कल की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए इस दिशा में हम काम करेंगे। और पुष्कर की रही बात समस्या की, क्योंकि मैं लगातार तीसरी बार यहाँ की जनता ने मुझे जनादेश दिया है, तो यहाँ की समस्या का भी मुझे पता है, उसका समाधान क्या वो भी मुझे पता है, तो निश्चित रूप से जल्दी यहाँ की जो मुख्य समस्या है उनका समाधान। कांग्रेस ने सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी बनाया है और छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ से सचिन पायलट जयपुर पहुंचे। इस दौरान उनका जगह जगह स्वागत किया गया। विधायक प्रशांत शर्मा, मुकेश भाकर, विद्याधर और मनीष यादव ने पायलट से मिलकर उनका अभिनंदन किया। पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी और इंद्राज गुर्जर ने भी मुलाकात की। इस मौके पर पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 14 जनवरी से राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं और इस यात्रा से सभी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजन को जोड़ने का मौका भी मिलेगा। पायलट ने श्री करणपुर चुनाव और राम मंदिर को लेकर भी अपनी बात कही। ये आने वाले लोकसभा चुनाव का भी एक प्रतीक है कि जिस प्रकार पूरी सरकार ने ताकत लगाई, भाजपा के उम्मीदवार को मंत्री बना दिया, बावजूद उसके एक अच्छे बड़े मार्जिन से रूबी कुन्नर जी चुनाव जीते। ये जीत कांग्रेस की जीत है, ये जीत क्षेत्र की जनता की जीत है कर्णपुर की, और ये जीत उन किसानों की है जिन्होंने आंदोलन किया, उन नौजवानों की है जो आज चिंतित हैं भविष्य को लेकर, और ये संदेश जयपुर और दिल्ली दोनों के लिए। बुलेटिन में खबरों का, अयोध्या में नव निर्मित भव्य राम मंदिर में रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं और इसी कड़ी में राजधानी जयपुर में धर्म यात्रा महासंघ राजस्थान
विश्व हिंदू परिषद और श्री श्याम भजन संध्या परिवार सेवा समिति की तरफ से 10 जनवरी को सीता रसोई के तहत एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सीता रसोई अन्य क्षेत्रों के संचालन हेतु 2100 सरसों तेल के पीपे खाद्य तेल की भेंट कर रवाना किया जाएगा। महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। धर्म यात्रा महासंघ राजस्थान संस्था के संरक्षक सुरेश पाटोदिया ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम के लिए जयपुर से सरसों तेल के पीपे रवानगी बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा के लिए किए जाएंगे। शोभा यात्रा में रामलला स्वरूप की विभिन्न प्रकार की झांकियां प्रस्तुत होंगी। शोभा यात्रा गंगा माता मंदिर चांदपोल बाजार से पूजा अर्चना के बाद रवाना होगी। इसके बाद छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ रामगंज होते हुए गलता गेट पहुंचेगी। शोभा यात्रा में साधु संत महंत और धर्माचार्य समेत अनेक भक्त शामिल होंगे। संस्था के अध्यक्ष शंकर झालानी और महामंत्री नरेश टेलर और कोषाध्यक्ष विश्वास खंडेलवाल ने बताया कि संस्था के सभी सदस्यों ने भक्तों के घर घर जाकर सीता रसोई के लिए रसीद काट कर सरसों तेल के पीपे इकट्ठे किए हैं, जो कि भक्तों के लिए गौरव की बात है। महासंघ की तरफ से एक ये अनूठा कार्य किया जा रहा है। पूरे भारत का माहौल बिल्कुल राममय हो रहा है और हमें इतना बड़ा हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये मौका मिला। 505 साल की अवधि के बाद मंदिर स्थापित हो रहा है, उसमें हमें कुछ करने को श्रम मिला। इस राममय माहौल में शामिल होने जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसके अलावा और हमारे सारे घर वाले या परिवार वाले सारे संघ के मेंबर, ऐसा लग रहा है कि जैसे घर में कोई विवाह हो रहा है और उसकी तैयारियां कर रहे हैं। धर्म यात्रा महासंघ विश्व हिंदू परिषद श्री श्याम भजन संध्या सेवा परिवार के तत्वाधान में 2100 माता सीता की रसोई के लिए तेल के पीपे शोभा यात्रा के साथ गंगा माता का मंदिर स्टेशन रोड ठीक 12:15 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा राज्यपाल महोदय श्री कलराज जी मिश्र मंदिरों के संत और महंत के सानिध्य में हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया जाएगा। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर्स ने विचाराधीन बंदी की पेट से मोबाइल फोन निकाला। जयपुर जेल में बंद विचाराधीन बंदी फज्जू को 3 दिन पहले एसएमएस अस्पताल लाया गया था। सर्जरी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर शालू गुप्ता ने कैदी की जांच की तो एक्सरे में पेट के अंदर मोबाइल फोन नजर आया। ऐसे में चिकित्सकों ने एंडोस्कोपी के जरिए मुंह से पाइप डालकर कीपैड मोबाइल बाहर निकाला। घटनाक्रम को लेकर डॉक्टर शालू गुप्ता ने बताया कि मरीज को जब अस्पताल लाया गया था तो जानकारी दी गई थी कि वो कुछ संदिग्ध चीज निगल गया। इसके बाद जांच करने पर पता चला कि बंदी के पेट में मोबाइल फोन है। डॉक्टर गुप्ता ने आगे बताया कि मोबाइल फोन पेट के ऊपर की तरफ था, जिसे एंडोस्कोपी के जरिए मुंह में पाइप डालकर निकाला गया। कोटा संभाग की सबसे महत्वाकांक्षी पर्वन वृद्ध सिंचाई परियोजना का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया। इसके तहत केंद्र से पहली बार अब 733.86 करोड़ रुपए का बजट पर्वन वृद्ध सिंचाई परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने जारी किया। 12 झालावाड़ और कोटा के लिए महत्वपूर्ण इस परियोजना को मिलने वाली राशि से किसानों आमजन और उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। अविभाग 2025 में तो इसके बांध का निर्माण होने के बाद इसे भरने का दावा कर रहे हैं। पर्वन वृहद सिंचाई परियोजना की दाई मुख्य नहर 89 किलोमीटर और बाई मुख्य नहर 40 किलोमीटर लंबाई में होगी। 12 पर्वन वृहद सिंचाई परियोजना के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल यादव से बातचीत की हमारे सहयोगी हंसपाल यादव ने। हाड़ौती के लिए जीवनदायिनी पर्वन बृहद सिंचाई परियोजना हाड़ौती संभाग के 637 गांव इस सिंचाई योजना के अंतर्गत आ रहे हैं और 637 गांवों के परिवारों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। हमारे साथ पर्वन सिंचाई परियोजना के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर
अनिल यादव जी हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस योजना के तहत अब तक कितना कार्य हुआ है। देखो सर, इसमें परवनपुर योजना में जो अब इस मैप को देखें, इसमें परवन डैम का काम है। डैम के साथ आरएमसी राइट मेन कैनाल, लेफ्ट मेन कैनाल का काम है। इस प्रोजेक्ट को जो है दो फेज में बांटा गया है। फेज फर्स्ट का काम में जो 1.31 लाख हेक्टेयर कमांड एरिया से सिंचाई किया जाना है, और फेज सेकंड जो है लगभग 70,000 कमांड एरिया सिंचाई करना किया जाना है। इस प्रकार से 2 लाख का कमांड एरिया पूरा इसमें डेवलप किया जाना है। इसमें फर्स्ट फेज का जो आरएमसी का राइट मेन कैनाल का जो कार्य मेरे नैनीताल क्षेत्र में है, उसमें राइट में 89.4 किलोमीटर की ये राइट मेन कैनाल है जो कि एग्जीक्यूट की जाती है। अभी इसमें अराउंड 70% एक्सक्यूशन का काम हो चुका है। लाइनिंग का काम अभी अंडर प्रोग्रेस में चल रहा है। इसके अलावा इसमें टोटल 61 पंपिंग स्टेशन बांटे गए जिसके द्वारा 1,31,000 का मंडी की सिंचाई की जाएगी। इस परियोजना में जो फेज फर्स्ट का लगभग 40% से अधिक काम हो चुका है। लैंड एक्विजिशन के कारण कुछ काम डिले हुआ था जो अभी प्रोग्रेस में चल रहा है। इस परियोजना के तहत कई गांव आए हैं दूर क्षेत्र में, कितना मुआवजा उन गांवों के लोगों को दिया गया है? सर, इसमें परियोजना में जो 12 और झालावाड़ जिले के गांव डूब में आए हैं, तो 12 जिले में 7 गांव पूर्ण डूब में हैं और 4 गांव आंशिक डूब में है। पूर्ण डूब में जो 7 गांव आए हैं उनका लगभग पुनर्वास का कारण पूर्ण हो चुका है। 12 जिले में सर इस परियोजना के तहत कितने गांव चिन्हित हैं? 12 जिले में 318 गांव चिन्हित हैं। फेज फर्स्ट में 194 गांव है तथा फेज सेकंड में 124 गांव है। फेज सेकंड के तहत जो काम होगा सर, वो काम कब से शुरू होगा और कहाँ पे होना है? फेज सेकंड का काम भी प्रगति रहता है। फेज सेकंड का काम जिंदल जो है, जिंदल मेगा का जॉइंट वेंचर कंपनी द्वारा काम किया जा रहा है। उसका जो पूरा कार्य का क्षेत्र जो है अधिशासी अधिनियम का झालावाड़ द्वारा देखा जाता है। इस योजना का काम पूर्ण होने के बाद बारा जिले के, हरदी जिले के लोगों, संभाग के लोगों को क्या क्या फायदे होंगे? देखो साहब, इस परियोजना के पूरे होने के बाद ये तो पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि सिंचाई के लिए लोगों को सिर्फ परवन पर ही निर्भर रहना होगा। इसके अलावा दूसरे जो ट्यूबवेल या हैंडपम्प ट्यूबवेल या दूसरे सोर्सों से लोगों को फ्री हो जाएंगे पूर्ण रूप से। पावर कंजम्पशन भी काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि इस परियोजना में सोलर को इंक्लूड किया गया है, तो जो डिग्गी पंप हाउस बनेंगे वहीं पर सोलर का इंस्टॉलेशन भी किया जाना है, तो लगभग पावर कंजम्पशन भी बहुत कम होगा और लोगों को टाइम बाउंडेड पानी मिल पाएगा। तो ये थे परवन बृहद सिंचाई परियोजना के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल यादव। उनका कहना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। हंसपाल यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बारां। आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट में पिंक सिटी में सफाई और अतिक्रमण के मामले में सुनवाई हुई, जहां एक्टिंग चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की बेंच ने राज्य सरकार की तरफ से जयपुर शहर की समस्याओं के निस्तारण के लिए बनाए गए एक्शन प्लान की क्रियान्विती के लिए समय मांगा गया, जिस पर हाईकोर्ट ने फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में सरकार को आदेश की पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है। स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई के दौरान न्याय मित्र विमल चौधरी ने कहा कि करीब 500 सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो सड़क पर सफाई करने के बजाय कार्यालय में काम कर रहे हैं। कांस्टेबल भर्ती 2023 और पूर्व की दो भर्तियों में महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई अलग अलग नापने पर राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस गणेश राम मीणा की बेंच ने आश्चर्य जताते हुए ऊंचाई का परीक्षण एम्स जोधपुर से कराने को कहा है। साथ ही हाईकोर्ट ने गृह सचिव ADG भर्ती पदोन्नति सहित अन्य से जवाब तलब किया। अभ्यर्थी सपना के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने हाईकोर्ट को बताया कि 27 दिसंबर को ली गई शारीरिक दक्षता परीक्षा में ऊंचाई 152 सेंटीमीटर से कम बताकर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, जबकि 2019 और 2021 की कांस्टेबल भर्ती में उसकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर से ज्यादा नापी गई। याचिका में कहा गया कि उम्र के हिसाब से ऊंचाई बढ़ तो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती, इसके बावजूद भी उसकी ऊंचाई कम बताई गई। बाड़मेर में स्पास सेंटर पर फायरिंग कर बंदूक की नोक पर युवती का अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। SP दिगंत आनंद ने बताया कि क्रेटा कार में सवार होकर आए नशे में धुत 3 लोगों ने स्पास सेंटर में तोड़फोड़ कर स्पास संचालक पर फायरिंग की और सेंटर में काम करने वाली युवती का अपहरण कर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस ने युवती के दस्तियाब के प्रयास शुरू करते हुए जिले भर में नाकाबंदी करवाई थी। पुलिस का दबाव बढ़ता देख आरोपी युवती को बायतू के पास सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद युवती को महिला थाना पुलिस ने संरक्षण में लेकर बयान दर्ज कराए और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इसके चलते पुलिस ने वारदात में शामिल 2 मुख्य आरोपियों को वारदात में इस्तेमाल वाहन के साथ गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस भी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है।